बच्चे दोनों आपकी भागवत कम और सीरियल ज्यादा देखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, जेठालाल को देखते हैं। जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। राधे राधे बढ़िया है, देखने से व्यक्ति हंसता है, अच्छा है। जेठालाल का बबीता को देख। नमस्कार दोस्तों, एक आध्यात्मिक वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक वीडियो में के अंदर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज और अनुराधाचार्य जी महाराज के विचार। दोस्तों, अनुराधाचार्य जी महाराज से एक भक्तमती पूछती है कि मेरे बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, कृपया इन्हें समझाइए। तो अनुराधाचार्य जी महाराज का जवाब सुनिए। पता नहीं दया क्यों चली गई, मैंने ना के पैसे वैसे, बस वो जेठालाल का बबीता को देखना थोड़ा। फिर तो जेठालाल और दया ही, सब चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब से दया गई है तब से। राधे राधे गुरु जी। जी जी, राधे राधे, ठीक है। और ये मेरे बच्चे दोनों आपकी भागवत कम और सीरियल ज्यादा देखते हैं। क्या देखते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, जेठालाल को देखते हैं। जी, दया चली गई बेचारी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे बेटा, खुश रहो बेटा, अब नहीं देखेंगे। अरे सुनो, जेठालाल क्या बोल रहा था बताओ, क्या बोला जेठालाल ने? कुछ नहीं। दया से क्या बोला उसने? कुछ नहीं। ठीक है, जेठालाल को देख के बच्चे खुश रहते हैं। अच्छा, बढ़िया, ठीक है। थोड़ा कथा भी देख लिया करो बेटा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बढ़िया है, उसको देखने से व्यक्ति हंसता है, अच्छा है। उसमें दया थी, दया फिर कहीं चली गई, अच्छा था, दया थी तो बढ़िया था। और गुरुजी राधे राधे, व्यक्ति हंस लेता था उसको देख के, अच्छा है। बहुत सारी चीज उसमें हंसने हंसाने के लिए बढ़िया है, कभी कभी देख लेने में बुराई नहीं है, जो अच्छी चीज उन्हें देख लेने में बुराई नहीं है। मैं भी पहले कभी कभी देखता था जेठालाल को। दोस्तों, अभी आपने अनुराधाचार्य जी महाराज के विचार सुने। अनुराधाचार्य जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि टीवी सीरियल देखने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी ही बता दी, कहा कि मनोरंजन भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, वो क्या कहते हैं। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना, असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। तो परमात्मा ने या बुद्धि दी जीव को ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुण्यात्माओं, अदगाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं सुनते हैं किसी चुटकले वगैरह, घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुनकर दिखाइए उसने, वह फिल्म का गाना सुनकर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहाँ तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाते, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करें, क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव ये है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घटगी, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहाँ पर, अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहाँ थोड़ी सी देर बस पूछ लेते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जोंके तो रहते हैं, जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब के लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी, या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं, और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। चक्की के बीच में, चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है, कहते दो पाटों के बीच में
इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें सबत कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी और उसमें किला होता था, किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़गी वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आगी वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए तो आप उस काल के कोल्लू से उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रसंग चला था कि हम परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी नाकाल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की, और कितना प्यार कितनी आधीनी कितनी विनम्रता। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।